संजय लीला भन्साळीच्या चित्रपटावरून सध्या देशभरातून चर्चा आणि वाद सुरू आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. तसेच आता भाजप आमदार राम कदम यांनी देखील या सिनेमा विरोधात आवाज उठवला आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी चित्रपटात बदल न केल्यास इथून पुढे त्यांच्या कोणत्याही चित्रपटाचे शूटिंग होऊ देणार नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. किसी भी फिल्म की शूटिंग जब चलती है तो वहां पर स्पॉट बॉय से लेकर लाइट मैन तक वे सारे लोग हमारे इस यूनियन के मेंबर हैं. बात ऐसी उठती है कि संजय लीला भंसाली जी एक बहुत अच्छे सक्षम ऊर्जावान निर्माता है, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, पर जिस प्रकार से पद्मावती को लेकर के जो बातें सामने आई हैं उन बातों को देख करके संजय लीला भंसाली जी से हमारी प्रार्थना है, उनसे निवेदन है कि किसी की भी भावनाओं को ठेच पहुंचाने का अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का भी अधिकार किसी को नहीं है. तो हमारे राजस्थान के राजपूत भाई हैं, ट्रेलर देखने के बाद वे लोगों का मानना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें कुछ आपत्तिजनक दृश्य है. हमने अतीत में भी देखा है कि स्टंट पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ निर्माता इस प्रकार की गलत तथ्यों का उपयोग करते हैं, ऐसा हमने अतीत में भी देखा है. पर वर्तमान में भंसाली जी ये कर रहे हैं ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा. अगर उनका अपने मन से उनकी स्पष्टता है तो सामने से आगे आए और वो सारी की सारी फिल्म, जिन जिन लोगों ने उस फिल्म के बारे में आपत्ति जताई है उनके कुछ प्रमुख लोगों को ले, अपने इतिहासकारों को ले और वे अपनी वो फिल्म दिखाए और इस प्रकार का शांति के तहत इसमें मार्ग निकल सकता है. यूनियन करके हमारा केवल और केवल यही मानना है कि हाथ में हथौड़ा लेकर के जो फिल्म का स्टूडियो का सेट बनाने वाला जो वहां पे वर्कर है वह वर्कर हमारे यूनियन का मेंबर है. यदि उसकी सेंटीमेंट्स के साथ, उसके भावनाओं के साथ यदि खिलवाड़ हो रही है तो उस प्रकार के दृश्य हम कतई फिल्म के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे. केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी अशा पद्धतीने इतिहासाशी खोडसाळपणा करणे आणि भावना दुखावणे हे कोणत्याही दिग्दर्शकाला किंवा निर्मात्याला करता येणार नाही असे देखील त्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे या सिनेमाला देशभरातून होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर बॉलिवूड मधील विविध संघटना या सिनेमाच्या समर्थनात मैदानात उतरल्या. तसेच पद्मावतीच्या विषयात लक्ष घालण्यासाठी लवकरच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिणार असल्याचेही स्पष्ट झालंय. FS News ब्युरो रिपोर्ट. Thank you.